हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 39 का फोर्थ सम। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। डिटेल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखो। एक्सप्लेनेशन के भी वीडियो किए हैं जिसमें मैंने पूरे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, 67 और 66 और 67 पेज के। वो भी आप लोग ज़रूर देखो। और उसके पहले के प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट हुए ही हैं, तो अभी फोर्थ सम हम स्टार्ट करेंगे। फोर्थ सम में दिया हुआ है, ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज इन द प्रोपोर्शन 3:7। तो ए का शेयर है 3 और बी का है 7। ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड। और उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 2% सोल्जर्स को दिया, वेलफेयर फंड जो है उसके लिए हेल्प किया है। तो व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो कितना वो लोगों ने प्रॉफिट दिया, मतलब आपने इसमें से फंड कितना दिया है, जो वेलफेयर सोल्जर वेलफेयर फंड है ना, उसके लिए वो लोगों ने कितना शेयर दिया, कितना डोनेशन दिया। तो हमें यहाँ पर वो फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल और एकदम इजी मेथड है, ध्यान से देखिए। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल हमारा यहाँ पर शेयर ऑफ ए और बी कितना दिया हुआ है, 24,500। ठीक है, हमने वो लिख दिया। प्रोपोर्शंस ऑफ ए और बी कितना दिया है, दैट इज 3:7 है। तो प्रॉफिट शेयर परसेंट कितना है, 2% है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, 3x। तो हम लिखेंगे उसके पहले के द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:7। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ ए बी, ए बी मतलब यहां पर लिख देती हूं मैं, लेट द प्रॉफिट ऑफ ए बी 3x, ये 3x है, एंड बी बी 7x, तो बी का 7x है, ऐसे हम समझेंगे। तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 24,500। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 10x आ गया इज इक्वल टू 24,500। x विल रिमेन हियर और 10 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10 का 0 कट कर दिया, ऊपर का ऑपोजिट 0 कट कर दो, यहाँ पर 2,450, ये हमारा वैल्यू ऑफ x आया है। तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा, 3x है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2,450, तो आंसर इज 7,350। और प्रॉफिट ऑफ बी कितना दिया है, तो 7x है, तो इसके लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 2,450, तो ये हो जाएगा 17,150। ओके, तो ये हमने दोनों के क्या कर दिए, कितना उनका प्रॉफिट हुआ है ये हमने फाइंड किया। अभी उनके प्रॉफिट में से वो लोग क्या कर रहे हैं, 2% देने वाले हैं फंड, जो वेलफेयर है सोल्जर वेलफेयर है उनको वो फंड देने वाले हैं 2%। तो इसमें से 2% ऑफ 7,350 ये कहाँ से आया, तो ये ए का प्रॉफिट है, इसके लिए उसके सामने मैंने किया हुआ है। तो 2% ऑफ 7,350, तो 2%, तो 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 7,350 करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, 0 0 कट कर दिया है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड करोगे, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर लेफ्ट हो गए 2, 5 4 ज़ा 20, 3 लेफ्ट होगा, और 5 7 ज़ा 35, तो 147। तो यहाँ पर जो ए है, ए कितना शेयर देने वाला है, 147 रुपीज, ठीक है, ये फंड देने वाले हैं। और 2% ऑफ जो बी का प्रॉफिट हुआ है 17,000, तो वो बी कितना देने वाला है, तो सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, तो 2% ऑफ 100 तो मल्टीप्लाइड बाय 17,150, तो 0 0 हो गया कट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 5 से 1,715 को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 343। आप साइड में वर्टिकली लिखो 1715 और फिर डिवाइड करो,
तो यू विल गेट दैट आंसर, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 343 रुपीज। तो ये शेयर किसने दिया है, बी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इजीली आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमें क्या करना है एक बार बोल देती हूँ, हमें जो दिया है लिख दिया हमने, गिवन 24,500 प्रोपोर्शन लिख दिया, फिर दोनों का प्रोपोर्शन को हम ऐड करेंगे और फिर टोटल प्रॉफिट से हम उसे फाइंड करेंगे एक्स का वैल्यू। एक बार हमें एक्स का वैल्यू मिल गया है तो हम फिर सबका प्रॉफिट, दोनों का पूछा हुआ प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो दोनों का प्रॉफिट फाइंड हो गया मतलब हमने रेशियो के साथ में वैल्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल जाता है। अभी जितने परसेंटेज पूछा हुआ है परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो हमें उनका जो फंड दिया हुआ है वो हमें अमाउंट, एक्चुअल जो अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला सम, जया सीमा निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 360,000 रुपीज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विथ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द प्रपोर्शन। तो ये जया का 3 पार्ट है, सीमा का 4 पार्ट है, निखिल का 7 पार्ट है और नीलेश का 6 पार्ट है, ठीक है। तो व्हाट वाज द जयास एक्चुअल शेयर, तो जया का एक्चुअल शेयर कितना है इन द कैपिटल, मतलब ये पैसे में से 360,000 में जया का पैसा कितना डाला हुआ है। एंड दे मेड द प्रॉफिट ऑफ 12%, तो 12% प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से निखिल को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये फाइंड करना है। तो निखिल का शेयर कितना है 7%, तो इसके लिए 7 के अकॉर्डिंग उसका हम फाइंड करेंगे। देखो कितना सिंपल सम है, सिर्फ जया का और निखिल का परसेंट इतना ही फाइंड करना है। जया का हमें क्या टोटल जो उसने अमाउंट दिया है स्टार्टिंग का कैपिटल दिया हुआ है वो फाइंड करना है। तो इसे भी हम इजीली एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमने लिख दिया है 3:4:7:6। लेट जयास इन्वेस्टमेंट बी 3x है एंड सीमास 4x, निखिल 7x एंड नीलेश 6x। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 360,000 जो हमें दिया हुआ है। तो ये चारों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे प्रोपोर्शन का, वो 20x आ जाएगा। और ये जो अमाउंट दिया हुआ है कैपिटल वो लिखेंगे। अभी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। 20 आ गया नीचे, 0 0 कट करो, तो 3:6:0:0:0 जो है उसे 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा 18,000। तो x का वैल्यू आया 18,000। अभी हमें सिर्फ जया का यहाँ पर फाइंड करना है। तो जयाज इन्वेस्टमेंट इज 3x है, उसका जो प्रोपोर्शन था वो 3x है, तो इसके लिए 3 × x का वैल्यू है 18,000। तो ये 54,000 क्या हो गया, उसने शेयर दिया हुआ है जो टोटल कैपिटल है उसमें 54,000, मतलब 360,000 में 54,000 किसने दिया है, जया ने दिया है। ये हो गया, पता चल गया आप लोगों को। अभी प्रॉफिट देखो 12% हुआ है, तो अभी 12% प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, निखिल का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। तो इसके लिए 12/100 × 360,000 तो 12 × 3:6:0:0 करो, तो यहाँ पर आंसर आएगा 43,200, मतलब 43,200। ये यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट है। अब ये टोटल प्रॉफिट में से निखिल का प्रॉफिट कितना है, 7 पॉइंट है ना, उसका 7 उसका रेशियो है, इसके लिए 7x और यहाँ पर हम ले लेंगे 20x जो हमने टोटल फाइंड किया था चारों का, चारों का 20x है लेकिन निखिल का 7x है, इसके लिए 7x/20x/43,200। ये क्या है 43,200, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद x x तो कट हो गया, डायरेक्टली ऑपोजिट है इसके लिए। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये देखो 0 है और 0 पहले कट कर दिया मैंने, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर उसके बाद 2 × 1 = 2, यहाँ पर 1 लेफ्ट हुआ, 2 × 6 = 12 एंड 2 × 0 = 0, मतलब 2160।
आप क्या करो, सिंपल 4320 को वर्टिकली लिखो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस आंसर 2160। तो ये उसका टोटल प्रोपोर्शन रहेगा। तो इसके लिए टोटल प्रोपोर्शन में से अभी इसको 7 यहाँ पर लेफ्ट हुआ है ना, तो 7 के साथ में हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 0 0, 7 6 42, तो 2 लिख दिया, 4 कैरी करो, 7 1 7, उसमें 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी करो, 7 2 14, और 2 ऐड करने के बाद आ जाएगा 7 2 14, सॉरी ये 1 ऐड किया था ना, तो ये हो गया 15। तो आंसर क्या आएगा, 15,120। ये प्रॉफिट किसको हुआ है, निखिल को। ये मल्टीप्लीकेशन आप साइड में भी कर सकते हो, 2,160 मल्टीप्लाइड बाय 7, साइड में करो, यहाँ पर मैंने किया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो, ठीक है, पेंसिल से किया हुआ है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आंसर आप लोग लिखो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने जया का इन्वेस्टमेंट और निखिल का प्रॉफिट परसेंट कितना है वो फाइंड कर दिया, उसके बाद आंसर भी फाइंड कर दिया, टोटल प्रॉफिट भी फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ना हमारे ये प्रैक्टिस सेट के सारे सम्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 सम सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में मैं आगे के दोनों सम कर दिए हैं, और प्लेलिस्ट में मैंने ये डाल दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, मतलब सम्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आगे का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। न्यू लेसन स्टार्ट होने वाला है, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दो।